वहीं जी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जाति के मुद्दे पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को देश को अपना धर्म अपनी जाति बतानी चाहिए। तो पार्लियामेंट सेशन की जब शुरुआत हुई है तो ये पूरा जो मुद्दा है वो जातीय जनगणना के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। और अब जो ये लीडर्स है टॉप के, चाहे कांग्रेस से हो गए या बीजेपी से हो गए, एनडीए के हो गए या इंडिया गठबंधन के हो गए, एक दूसरे पर जाति और धर्म को लेकर के वार करते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष को भी सुन लिया आपने, राहुल गांधी को भी सुना आपने, सोनिया गांधी को सुना आपने, और अब गिरिराज सिंह भी इसी लाइन में। जी न्यूज से खास बातचीत में इन्होंने तमाम बड़ी बातें कही। मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गिरिराज जी, जिस तरह से जाति के मामले पर कल अनुराग जी ने सवाल किया और आज जाति को कह रहे माफी मांगनी चाहिए अनुराग ठाकुर को, किस आधार पर? काहे को अनुराग ठाकुर को माफी मांगना चाहिए? कौन गलत पूछा? इनको हंगामा करना है इसीलिए अनुराग ठाकुर का बहाना है। अगर कोई मुझे जाति पूछे धर्म पूछे तो क्या दिक्कत है, मैं बता दूंगा कि मैं किस जाति किस धर्म का हूँ। लेकिन अब मैं भी पूछता हूँ कि राहुल जी देश जानना चाहता है, आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, वो नहीं बताएंगे। त्रिपुंड लगाएं अच्छी बात है, नमाज पढ़ें अच्छी बात है, प्रे करें अच्छी बात है, लेकिन बता भी तो दें देश को। ये सनातन को तोड़ना चाहते हैं, इनकी जुबान कभी नहीं खुलती बांग्लादेशी घुसपैठियों पर, मुसलमानों के अत्याचार पर, रोहिंग्या पर कभी नहीं इनकी जुबान खुलती। इनकी जुबान तब खुलती जब सनातन को तोड़ने की बात आती। ये माँ बेटे दोनों मिलकर के सनातन को तोड़ना चाहते हैं। अब देशवासी से अपील है, इनके झांसे में नहीं आए, इनका कोई धर्म नहीं है, धर्म है भारतीय। लेकिन ये तो उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना कराना नहीं चाहते हैं, संसद में हंगामा देखा आपने, आप लोग जाति पिछड़े के विरोधी हैं। मैं तो आपको कहा कि बिहार जाता जीता जागता उदाहरण है, बीजेपी और जदयू एनडीए सरकार ने कराया। विरोधी तो ये है जो जवाहरलाल नेहरू काका कालिलकर रिपोर्ट को दबाया, इंदिरा जी ने मंडल जी के रिपोर्ट को दबाया नकारा, राजीव गांधी ने फ्लोर पर विरोध किया, कांग्रेस ने बंद बक्से में रिपोर्ट को कर दिया। कौन है बेईमान, कौन है विरोधी? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी तो बिहार उदाहरण है जीता जाता। ये लोगों को भ्रमित ना करें, जैसे संविधान और आरक्षण के नाम पर भ्रमित किया, अब ये चाहते हैं कि मैं एक टूल बना करके, ये नहीं होगा। अब सनातन नहीं टूटेगा, चलिए अब सनातन नहीं टूटेगा और ये भ्रमित न करें, कहना है गिरिराज सिंह का। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली।